यहां लूटने वाला खुद जाता है और क्या कहता है, कन्हैया मुझे भी लूटी। आज भी वृंदावन की सखियां जब सुबह दही भी हो पिलोती है ना, जय जय, एक मटकी माखन की भरकर छत पे टाल देती है। शायद कन्हैया आए आएगा, चोरी करने आएगा। 9 लाख गायें हैं घर में, घर की जो अनंत माखन चोरी में है, जोरा जोरी में है, और चोर चतर मंडली की में है, वो कहाँ है? तो आओ, बिहारी जी का दर्शन करके जब जो लोग आते हैं तो आके सभी को क्या कहते हैं? उठ जाने में मुझको मजा आ गया। उठ जाने
समझ के नहीं आ तो हम साथ ही ले आए हैं। तो इसलिए जब कन्हैया पंजाब में आते हैं हमारी सबसे पहली कैसेट में ये भजन था। आज फिर इंद्रसिंहों की इच्छा है, सुना देते हैं। बोलिए शिवा के हरी लाल की जय। अब जरूरी नहीं है कि काफी आगे आना है, यहाँ जी करे वहां भी हम खड़े हो सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात हो, कन्हैया हमारे साथ हो। परमेश्वर की सुना जब वृंदावन छोड़कर कन्हैया जाने लगे तो राधा रानी ने कहा, लाला जा रहे हो, इन ग्वाल वालों का क्या होगा, गांव बच्चों का क्या होगा, सखियों का क्या होगा, मुरली नहीं बजेगी तो रास कैसे हो। तो कन्हैया ने अपनी मुरली किशोरी जी को दे दी। हे राधा रानी, तेरा मेरा वादा है, अगर ये मुरली बजेगी तो सिर्फ वृंदावन में मैं आऊंगा। जब शरद पूनम की रात होगी मैं आऊंगा, हर सखी के घर में आऊंगा। और जब कन्हैया आए इस बार 13 अक्टूबर को आएंगे शरद पूर्णोत्सव पर, तो हर सखी की क्या इच्छा थी, अगर आपकी भी इच्छा है तो संकोच मत करना, दोनों हाथ उड़ाइए, बधाई हो। हर सखी क्या कहती है ये हमारे सदस्यों की भी इच्छा है, तो आप सुना दे रही है। तेरी मैं नचना श्याम देना, श्याम देना, तेरी मैं नचना श्याम देना, अज मैनू नचना I'm gonna make it.
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।